विपक्षी पार्टियां, विपक्षी पार्टियों द्वारा मुझे बदनाम किया जा रहा है। मैं सबसे यही कहूंगा, उठाते हैं वो डिफेक वीडियो बनाया गया है। और डिफेक वीडियो जानते हैं, बड़े बड़े जो डिजिटल के हैं, अभी आप देखे थे उनके उनके खिलाफ डिफेक वीडियो बनाया गया है AI तकनीक के द्वारा। तो मेरी क्या है, जो मुकदमे राजनीति से प्रेरित है, छोटे मोटे मुकदमे हैं, बहुत बड़े मुकदमे नहीं है। और जो अभी आप लोग नीट 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 चिल्ला रहे थे, स्पष्ट सुनिए, नीट नीट चिल्ला रहे थे और विपक्षियों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था, विपक्षियों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि इतनी जो है हास्यास्पद बातें हैं कि नीट में मेरा नाम नहीं, किसी आरोपी ने नाम नहीं लिया, जांच एजेंसी ने नाम नहीं लिया। और देश की सबसे बड़ी एजेंसी, सबसे बड़ी एजेंसी जांच कर रही है। कौन सबसे बड़ी एजेंसी होती है? सीबीआई। सीबीआई जांच करती है और जिसकी जांच सीबीआई करती है, दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। अगर मैं होता तो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे चार्जशीट कंपनी उसके जो आरोपी थे वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया। और मैं उसमें था ही नहीं, साथ को कोई याद नहीं है। और मैं ये भी कहा था अगर दूर दूर तक मेरा पेपर लीक में इसमें नीट में अगर जो अफवाहें जो विपक्षी पार्टियां इतना अफवाह फैला रही थी और इतना फैलवा रही थी कि ये बेदी राम का नीट पेपर लीक में हाथ है, मैं चैलेंज करता हूं जिस दिन नीट पेपर लीक में मेरा नाम आ जाएगा। और अब तो चार्जशीट सीबीआई द्वारा चार्जशीट वो दाखिल भी कर दिया गया, आ जाएगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं एनडी टीवी पर कहा था। और ये विपक्षियों की साजिश है, विपक्षी पार्टियों की साजिश है, मुझे बदनाम करने की साजिश है। मैं एक दलित विधायक हूँ, दलित विधायक होने के नाते मुझे विपक्षी पार्टियों द्वारा मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, मेरे नेता को बदनाम किया जा रहा है, एनडीए को बदनाम किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को बदनाम किया जा रहा है। आप बताइए, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पेपर लीक में मेरा नाम बताया जा रहा था और मैंने कह दिया कि बेदी राम तो गिरफ्तार है। मैं क्या गिरफ्तार था? मैं किसी को मैं गिरफ्तार नहीं था, उन्होंने चाहे एसटीएम ने गिरफ्तार किया, मैं कहां गिरफ्तार था? अरे हाथ से प्रेस बातें तो तब हो गई, मैं एनडी टीवी पर बयान दे रहा था। उन्होंने ये कहा, एक मीडिया ने कहा, मीडिया का नाम मैं नहीं लूंगा। अब 12 घंटे उन्होंने चलाया है मेरा, मैं एक दलित विधायक हूँ, दलित विधायक होने के नाते उन्होंने 12 घंटे चलाया। नीट का आरोपी बेदी राम फरार है, फरार है, ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अगर एसटीएफ ने मुझे गिरफ्तार किया था तो मैं एनडीटीवी के सामने बयान कैसे दे रहा था? आप बताइए, किस राजनीतिज्ञ के ऊपर केस नहीं है, झूठे केस रखते हैं? उसी तरह से मेरे सारे केस झूठे हैं और मेरे सारे केस छूट चुके हैं। एक आध बातचीत बाकी रह गया है, नहीं छोटे से छूट गए हैं। बोलने दो, बोलने दो, सांस को बात नहीं है, मैं सच्चा आदमी हूँ, मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे बोलने दो। अभी आप लोगों को मैं कसम तो नहीं धरा सकता, इसको चलाना पड़ेगा और चलाइए। एक आदमी पूछिए, मैं सबका जवाब दूंगा, मैं साथ हूँ। बोलिए, बेदी राम जी जो है अखिलेश यादव के आदमी है, ओमप्रकाश राजभर जी ने कहा, उनके बयान को लेकर वो सही कहे हैं। जिस समय टिकट दिया जा रहा है दूंगा, मैं साथ हूँ। बोलिए, बेदी राम जी जो है अखिलेश यादव के आदमी है, ओमप्रकाश राजभर जी ने कहा, उनके बयान को लेकर वो सही कहे हैं। जिस समय टिकट दिया जा रहा था उस समय समाजवादी पार्टी के माननीय है उदयवीर सिंह के सामने ले जाया गया। उन्होंने जिसको कहा टिकट देने के लिए, मुझे भी टिकट देने के लिए कहा गया, किनको टिकट दीजिए, उदयवीर सिंह के कहने पर दिया गया है, तब माननीय नेताजी ने दिया है। और यही नहीं, एक हमारे राय साहब है, राय साहब पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और उनके लिए भी जगदीश राय है जी हैं, उनके लिए भी माननीय राष्ट्रीय पार्टी के जो है उदयवीर सिंह ने दिलाया था। आप और अब्बास हैं, उनको भी
और दूधराम जी है उनको भी, हंसूराम मामी हंसूराम जी है उनको भी, सबको टिकट दिलाने का काम किए हैं उदयवीर और समाजवादी पार्टी के। और क्या उदयवीर माननीय उदयवीर जी माननीय किसी का नाम नहीं लूंगा, समाजवादी पार्टी से पूछ कर ही सबको टिकट दिए होंगे। क्या इस समय ओम प्रकाश जी आपके साथ हैं? हमारे साथ हैं, हम सही हैं, इसलिए हैं। अफवाह उड़ाने से विपक्षियों द्वारा, अफवाह उड़ाने से विपक्षी पार्टियों द्वारा, विपक्षी पार्टियों द्वारा ये जो अफवाह फैलाई गई है उसको उसको कहने से अध्यक्ष जी नहीं छोड़ेंगे।